नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी को धोबलिया होते हुए फकदोलिया घुमाने लिए जा रहे हैं। हालांकि हमें वहां पे थोड़ा सा काम है, इस वजह से जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम इस गांव में कभी बिजली नहीं किए थे, यानी गए ही नहीं थे। और जिस पुल पे अभी हम खड़े हैं, वह जो पुल है कुशेश्वर स्थान को कुशेश्वर स्थान पूर्वी से जोड़ता है। और ये जो नदी देख रहे हैं, ये नदी है बट वर्तमान समय में यह नाला दिख रहा है, क्योंकि इस नदी में गहराई बहुत कम है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो इसमें इतना विकराल रौद्र रूप देखने को मिलता है, जिसे देखने वाले देखते ही दंग रह जाते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, जब बाढ़ आती है तो इसी इलाके में सबसे पहले बाढ़ आती है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो धीरे 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 भरती जा रही हैं। उस नदियों में गौध जो है जमा होते जा रहा है। अगर समय रहते इन गौधों को, यानी गौध को, मिट्टी को जमा नहीं किया गया तो धीरे धीरे छोटी छोटी टापू बनती जाएगी। हालांकि जहां मैं फकदोलिया जा रहा हूं, वहां जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो इस पुल से नीचे आप जाइए, मतलब हम जा सकते थे, और नदी के साइडे साइडे केटगामा होते हुए फकदोलिया जा सकते थे। लेकिन जब हम पुल के समीप पहुंचे, जहां से हम नीचे उतर सकते हैं, वहां पे जो है मिट्टी ना कटे उसके लिए पुल से लेकर नीचे खेत तक बड़े बड़े पत्थर दिए हुए हैं। और हमने सोचा कहीं और से ऑप्शन होगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस गांव तक जाना कैसे है, क्योंकि पहली बार हम जा रहे हैं ना। तो एक व्यक्ति से पूछा, उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, साइकिल अपने सर पे लो, हाथ पे लो और पैदल निकल लो। आप सोचो वहां की जो हाइट है ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा है। अब देखो वीडियो में ये सामने, वो सीधे पुल पर से नीचे खेत तक की हाइट कितनी ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा भी फिसल गया, क्योंकि इस एरिया में मैं नया हूँ, और बैलेंस बिगड़ गई तो मेरी साइकिल तो जाएगा ही जाएगा, मेरे उसे दोगुना चौगुना चोट मुझे आएगी। तो फिलहाल हमने सोचा चलो आगे बढ़ते रहते हैं और किसी से पूछते हैं कि आगे का रास्ता अगर लॉन्ग टर्म में भी है तो हम निकलते चलेंगे। हालांकि हमारे एक दिल्ली के मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि धोबलिया का वीडियो बनाएं, तो आज उनकी मांग पूरी हो रही है। हालांकि जब इस एरिया को ना बाढ़ग्रस्त इलाका है, यानी ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ हर साल बाढ़ आता ही आता है। अगर कहीं ना भी आए तो इस इलाके में बाढ़ जरूर आता है। लोगों की मानसिकता है कि यह जो है काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन आपको बता देते हैं कि पिछड़ा इलाका इसलिए नहीं है कि मतलब कि लोग गरीब हैं, इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर बाढ़ आती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में पैसे वालों की कमी नहीं है। बाई साइड में एक यामा का शोरूम भी है, वो हम आपको आते वक्त दिखाएंगे। देखिए यामा का शोरूम आपको बाजार में भी कम मिल जाता है, लेकिन देखिए गांव में यामा का शोरूम है, यानी यामा बाइक की। वर्तमान समय में ये जो जिस सड़क पर अभी हम चल रहे हैं ना, ये कच्ची सड़क है। हालांकि ये बहुत जल्द वन वे पक्की सड़क होने वाली है, फिर धीरे 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 ये चौड़ीकरण इसका होता जाएगा हर पंचवर्षीय में। तो फिलहाल ये जो सड़क है, पहले मुझे लगता था, मेरा मानना है सड़क को देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सड़क पर कहीं भी मुझे गिट्टी पत्थर नहीं दिखे, मतलब पुराने वाले। तो इससे अंदाजा ये लगता है या तो पहले ये खरंजा था, यानी कि ईंट करने वाला सड़क था, या फिर मिट्टी का सड़क था, इसलिए इन गांवों में आने जाने की जो सुविधा थी बहुत खराब थी। और एक बात बता देते हैं कि मैंने इस गांव में देखा है कि हर किसी के पास अपना एक बाइक है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके को बेनुआ कहा जाता है, मतलब लोकल भाषा में ये बेनुआ इसलिए कहा जाता है कि ये अति पिछड़ा गांव में शामिल है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस गांव में देखिएगा हर परिवार के पास अपना जमीन है, अपना खेत है। इस इलाके से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं, ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में सरकार ने इधर भी ध्यान दिया है, नल जल योजना तो पहुँचाई है। हालांकि इस वक्त जो है हम धोबलिया गाँव से गुजर रहे हैं, तो ये बताना हम भूल गए थे। देखिए जगह जगह पर पुल बन रही है, वर्तमान समय में विकास जो है अपने चरम सीमा पे है। आप देखिएगा इस सड़क को छोड़कर जो अभी बन रही है, इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी गलियां हैं सब जगह पे पीसी सड़क बनी हुई है, यानी कि ढलाई वाली सड़क बनी हुई है। आगे चले जब हम फकदोलिया की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको ढलाई सड़क भी दिखेगी। देखिए आपको दुकानें ऐसी नहीं है नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिपो भी है। डिपो आप जानते हैं कि जहाँ पे घर बनाने की जो संबंधित चीज़ें होती हैं वो मिलती है। और हाँ, अगर आप धोबलिया से देख रहे हैं ना वीडियो, या फिर कुशेश्वर स्थान के पूर्वी क्षेत्र से, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखिए और हाँ, इस क्षेत्र में ना बलवाही मिट्टी मिलेगी, मतलब कुशेश्वर स्थान पश्चिमी में बलवाही मिट्टी बहुत कम मिलती है। बलवाही मिट्टी आपको घर बनाने में भी काम आती है। और ये जो पीसी सड़क देख रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है कि बाढ़ जब आई थी इधर तो डांड भर पानी था, यानी कि
दो से ढाई तीन फीट जो है पानी सड़क पे थी, और ये नया पीसी होने के बावजूद लोग इधर से उधर जाते रहे थे बाढ़ में। इस वजह से जितनी भी पीसी सड़क है यानी ढलाई वाली सब झर गई है। और आगे हम जब जाएंगे तो कटकेवट गामा का भी लिंक दिखता है। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, पीसी सड़क बनाई गई थी दो चक्के पैदल यात्रा से लेकर के चार चक्कों के लिए, और ये वर्तमान समय में सिर्फ मतलब कह सकते हैं पैदल और बाइक वालों के लिए रह गई है। टेम्पू भी नहीं जा सकते। आप बताइए, इस गांव में कभी इमरजेंसी हो गई और यहाँ से नदी गुजरती है, ये वही नदी है जो हम पुल पे खड़े होकर उसका शॉट दे रहे थे आपको। आगे देखिए, हम एक हाथ से साइकिल चला रहे हैं और एक हाथ आगे क्या है, कौन आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पानी भी आ रहा है। लोगों की मत पूछिए, इतना होने के बावजूद लोग यहाँ पे संभले नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो है स्टॉपेज है तो हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी हम जो है फोगदलिया चौक पे हैं, यानी फोगदलिया पहुँच चुके हैं, और जहाँ हमें जाना है हम उस पॉइंट पर अब पहुँचने ही वाले हैं। तो मेरा अनुमान है कि देखिए इधर भी सड़क का जो है मतलब ना के बराबर है। हालांकि ये बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हमें दिखता है हम उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे शेयर करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है आपकी वजह से आपके गांव वाले इस वीडियो को देख पाएं जो शहर में रहते हैं। गांव में भी रहते हैं तो उन्हें भी कह दीजिए। देखिए टायर गाड़ी आपको देखे हुए वर्षों बीत गए होंगे अगर आप कुशेश्वर स्थान पूर्वी में ना रहते हो तो, क्योंकि टायर गाड़ी यानी बैलगाड़ी उसी रूट में चलती है जहाँ पे मिट्टी करण ज़्यादा होती है, खेतों में जाने का रास्ता होता है। और बैलगाड़ी जो है आसानी से, पहले जब पता है आपको जब बाराती हम लोग जाते थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो जाते थे, वो टायर गाड़ी से ही जाते थे, यानी बैलगाड़ी से ही जाते थे। कि इस गांव में एक नाम भूल गया मैं, यहाँ पे उस गांव की तरफ पीछे सड़क जा रही है, और सामने देखिए ये है यामा बाइक का शोरूम। आश्चर्य जो हो रहा है ना, गांव में यामा बाइक का शोरूम, हीरो ना, होंडा ना, बजाज ना, यामा। यामा एक ब्रांडेड एक ऐसी मजबूत कंपनी है जिसके बारे में बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान के जाम में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम, वन वे सड़क और टू वे लोगों का आना जाना, और लोग फॉलो भी नहीं करते कि बाएं साइड से जाना है कि दाएं साइड से जाना है, जिधर से जगह मिले उधर से घुसा देते हैं। इस वक्त हम बाबा के उस जगह पे खड़े हैं तालाब वाले में, जहाँ पे स्नान करके बाबा का पूजा अर्चन किया जाता है। और एक अपडेट हम आपको बता देते हैं, बाबा का जो है द्वार खुल चुका है, आप बाबा के अंदर मंदिर तक जा सकते हैं और जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए हालांकि पहले की भांति यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, और यहाँ पे कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय है, सामने देख लीजिए। अगर आप अभी आना चाहे नहीं पता हो तो जान लीजिए कि इधर कुशेश्वर स्थान का अंचल कार्यालय है। और ये देखिए थोड़ा सा टावर है, और आगे बढ़ते हैं। और ये जो सड़क देख रहे हैं बेनीपुर कुशेश्वर रूट है, इसकी मतलब जो है पट्टीकरण हो रही है, यानी ऊपरी भाग में जो जहाँ कहीं कहीं पर जर्किन हो गई थी, खुदाई हो गई थी, मतलब छिल गई कह सकते हैं, चोट लग गई थी सड़क को, उस पर मरहम पट्टी चल रही है। अब ये वीडियो जो है बहुत जल्द जो है खत्म होने वाली है, इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।